आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बुधवार को उज्जैन पहुंचे। यहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान का पंचामृत पूजन भी किया। उसके बाद सुजलाम जल महोत्सव में मोहन भागवत ने महाकाल में 60 किलो चांदी से बनाए गए जल स्तंभ का अनावरण किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को लोगों से जल संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि बूचड़खानों और इससे जुड़े उद्योगों के कारण पानी की खपत बढ़ती है और प्रदूषण भी होता है। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा जल संरक्षण पर आयोजित सम्मेलन सुजलाम में अपने संबोधन में ये बात कही। भागवत आगे कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि शाकाहारी होना अच्छा है, मांसाहार से पानी की खपत बढ़ती है। आगे कहते हैं कि हालांकि इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इससे खुद को दूर रखना पड़ेगा। यानी जिनके मांसाहार उद्योग हैं, वे तो आखिर में मानेंगे। उन्होंने कहा कि वो तभी मानेंगे जब उनका बनाया हुआ मीट खपेगा ही नहीं, और ये तभी होगा जब कोई मांसाहार करेगा ही नहीं। बता दे, भागवत यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि आदतों को बदलने में समय लगता है। उनका कहना था कि कई लोग श्रावण मास में और गुरुवार को मांसाहार नहीं करते। हमें किसी भी तरह जल का अनादर नहीं करना चाहिए, हमारी प्रकृति का सम्मान हो और इसकी सदैव पूजा करनी चाहिए। शाकाहार वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा है, शाकाहारी होना अच्छा है, मांसाहार से पानी की खपत बढ़ती है। लेकिन अब उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्लखाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है और पोल्यूशन बढ़ता है, वो एक अलग बात है। ऐसी कई बातें चलती है, दुनिया के प्रवाह में चलती आई है, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन समझ बूझ कर ऐसे अपने जीवन से जुड़ी बातों से हमको अपने आप को दूर करना पड़ेगा ना, और अपने आप को दूर करना पड़ेगा यानी जिनकी इंडस्ट्री है वो तो सबसे आखिरी मानेंगे। मेरी अगर मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है तो मैं तभी मानूंगा जब बनाया हुआ मीट खपेगा ही नहीं, क्योंकि कोई मांसाहार करेगा ही नहीं। सुजलाम जल महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण महाकालेश्वर मंदिर बना है। बता दे, महाकालेश्वर मंदिर में 5 दिसंबर से सुजलाम महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहित भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक हस्तियां भी कार्यक्रम में हिस्सा ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बता दे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 29 दिसंबर को समापन समारोह में शामिल होंगे। पर्यावरण संकट पर भारत सहित पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है।